हाय टू ऑल माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी लोगों का बहुत सारा वाला वेलकम है गाइस। आज की इस रीडिंग के अंदर आई होप आप सभी लोग बिल्कुल ठीक हो और स्वस्थ हो। सो माय ब्यूटीफुल पीपल, आज की जो टैरो रीडिंग आप लोगों के लिए होने वाली है वो होने वाली है अ लव रीडिंग। आज मैं आप लोगों के लिए लव रीडिंग करने वाली हूँ। स्पेसिफिकली आज मैं बताने वाली हूँ कि आपके जो पार्टनर है वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, उनके अभी करंट फीलिंग्स क्या चल रही हैं, वो आपके लिए क्या एक्शन लेने के बारे में सोच रहे हैं, उनके दिमाग में आपको लेकर के क्या थॉट्स हैं। ठीक है, आपके और आपके पार्टनर के बीच में चाहे जो मर्जी मसला चल रहा हो, चाहे जो मर्जी कोई प्रॉब्लम चल रही हो, आखिरकार उनके दिल और दिमाग में आपको लेकर के क्या पैटर्न अभी हाल फिलहाल चल रहा है, आज हम इस चीज के बारे में बात करेंगे। आप सभी लोगों को ऐसा लग रहा था कि मैं लव रीडिंग नहीं कर रही हूं तो क्या मैंने बिल्कुल करनी बंद कर दी है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखो क्या है ना कि आई ऑलवेज डू द गाइडेड वर्क। अगर मुझे बहुत स्ट्रांग कोई गाइडेंस आती है तो मैं वो काम जरूर करती हूँ। एंड मुझे ना कल नहीं इवन परसों से ही आई एम गेटिंग वेरी स्ट्रांग गाइडेंस कि मुझे करंट फीलिंग के ऊपर एक रीडिंग आप सभी लोगों के लिए करनी जरूरी है। सो आज की रीडिंग का टॉपिक आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स, आपको लेकर के उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है और नेक्स्ट वो आपके लिए कौन से एफर्ट्स, कौन सी चीजें कर सकते हैं, एंड फॉर श्योर परमात्मा की तरफ से इस रिश्ते को क्या ब्लेसिंग या क्या एनर्जी मिल रही है। सो आज के रीडिंग का टॉपिक ये है। अगर आप लोगों को काफी पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने कमेंट में अपने फीडबैक्स और अपने रिव्यूज देना ना भूलें मुझे, ठीक है। सो माय ब्यूटीफुल पीपल, अभी आप लोगों के सामने दो पाइल्स आने वाली हैं। उन दोनों पाइल्स में से किसी एक पाइल को आपने पिक करना है, ठीक है। पाइल नंबर वन है जिसके अंदर आप लोगों के लिए कुछ इनिशियल्स हैं या आपके पार्टनर के नाम के पहले अक्षर हैं, तो आपने अपने पार्टनर के नाम का पहला अक्षर पिक करना है। अगर आपके पार्टनर के नाम के पहले अक्षर AIQYBJRCKSDLT में से कोई एक है तो पाइल नंबर वन को आप पिक करेंगे, ठीक है। अगर आपके पार्टनर के नाम का पहला अक्षर EMUZFNVGOWHPX में से कोई एक है तो आपने पाइल नंबर टू को पिक करना है, ठीक है। बहुत सिंपल। आज की जो रीडिंग है वो गाइडेड रीडिंग है। अगर आज आप इस रीडिंग को सुन रहे हैं इसका मतलब देयर इज समथिंग वेरी बिग, यू नो, पॉजिटिव चेंज विच इज कमिंग इन योर वे इस रिश्ते को लेकर के। तो एकदम स्पेसिफिकली पॉजिटिवली आज की इस रीडिंग को सुने, समझें और अपने फीडबैक्स अगेन आई एम टेलिंग यू शेयर करना ना भूलें इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। आई वुड लव टू रीड ऑल द कमेंट्स। एंड मैंने कमेंट में एक कमेंट पिन कर रखा है, कमेंट सेक्शन में एक कमेंट पिन कर रखा है, आपने उस कमेंट का जवाब जरूर देना है, ठीक है। आपने बताना है कि नेक्स्ट लव रीडिंग मैं कौन से टॉपिक पे करूं, किस टॉपिक पे करूं आप लोगों के लिए, ठीक है। चलो तो शुरू करते हैं आज की रीडिंग विद द पाइल नंबर वन। ओके, सो हाय टू ऑल माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर वन पीपल। पाइल नंबर वन है हमारे पास आपके, आपने पाइल नंबर वन को इसलिए पिक किया है क्योंकि आपके पार्टनर के नाम का जो पहला अक्षर है वो AIQYBJRCKSDLT में से कोई एक हो सकता है ना। चलो स्टार्ट करते हैं आपके पार्टनर की एनर्जीज। मैं पाइल नंबर वन वालों के लिए यहां पर प्रेयर करूंगी। आप अपने पार्टनर के नाम को 3 बार चांट कर लो, ठीक है। आपकी जिनमें भी श्रद्धा है आप उनका नाम ले सकते हो, ओके, सो दैट यू विल गेट द क्लियर कार्ड्स, द क्लियर गाइडेंस, द क्लियर मीनिंग ऑफ एनर्जीज, ओके। फॉर द पाइल नंबर वन, पाइल नंबर वन वालों के पार्टनर उनके बारे में क्या सोच रहे हैं, प्लीज स्पिरिट्स रोमांस एंजल्स गाइड कीजिएगा, गाइड कीजिएगा, गाइड कीजिएगा। पहला कार्ड है यहाँ पर 10 of Cups। मुझे नहीं पता ये कार्ड आप लोगों को लाइट की वजह से शो हो रहा है या नहीं हो रहा है। इट इज अ कार्ड ऑफ 10 of Cups।
टेन ऑफ कप्स की ऊर्जा मुझे यहाँ पर बहुत स्ट्रांगली फील करा रही है कि ये पर्सन इस रिश्ते को लेकर के पॉजिटिव है, ठीक है। आपके जो पार्टनर है वो इस कनेक्शन को लेकर के बहुत पॉजिटिव है। उनके दिमाग में ना अभी इस कनेक्शन को लेकर के रेनबो रिवाइवर वाली एनर्जी चल रही है, रेनबो एनर्जी चल रही है। लाइक दिस पर्सन इज थिंकिंग कि आपके साथ उन्हें फैमिली बसानी चाहिए, ठीक है। 10 नंबर है यहाँ पर, विच ऑल्सो स्टैंड फॉर द कम्प्लीशन, ठीक है। उनको अगर वो अपनी लाइफ को, अगर वो अपनी आने वाली जिंदगी को आपके साथ अगर बिताते हैं, पाइल नंबर वन पीपल, तो आपके पार्टनर बहुत मतलब काफी ज्यादा इतना कोई भी बंदा खुश नसीब नहीं होगा जितना वो खुश नसीब अपने आप को महसूस करते हैं इस चीज को सोच करके, ठीक है। मुझे यहाँ पर बहुत स्ट्रांग फीलिंग नजर आती है दैट दिस पर्सन इज थिंकिंग टू मच अबाउट दिस रिलेशनशिप। इसको इनको ना ऐसा महसूस होता है कि अगर ये रिश्ता नहीं हो या ये अगर रिश्ता कहीं ना कहीं खत्म हो जाए या कुछ नेगेटिव बिलोंगिंग्स अगर आ जाए तो इनकी जिंदगी खत्म है, ठीक है। तो इसका मतलब ये कि कहीं ना कहीं आपके साथ इस कनेक्शन के अंदर जस्टिस चाह रहे हैं, आपके साथ ये इस कनेक्शन के अंदर हार्मनी चाहते हैं, आपके साथ वो एक बहुत ही छोटा प्यारा सा घर बनाना चाहते हैं जिसके आसपास लॉन हो, जिसके अंदर वो पेड़ लगा सके, गार्डनिंग कर सके, ठीक है। एंड वो ना आगे तक के बारे में सोचते हैं, मतलब आप इस चीज को ऐसे समझने की कोशिश करो कि वो ये भी सोचते हैं कि कल को आप दोनों के बच्चे होंगे, आप दोनों एक दूसरे के साथ कितना कितना प्यार महसूस करोगे, उनको ऐसा भी लगता है। एंड आपको लेके बहुत फ्यूचरिस्टिक है ये इंसान, मतलब ये आपके बारे में फ्यूचर तक के बारे में सोच रहा है। दिस पर्सन इज थिंकिंग फॉर यू लाइक फैमिली बसाना, शादी, बच्चे, ठीक है, एक प्यारा सा घर, छोटी सी गाड़ी, मतलब हर चीज उस बंदे के दिमाग में है बहुत पॉजिटिविटी के साथ। और ये इतना ज्यादा आपके बारे में इस वक्त सोच रहे हैं ना कि मैं बता नहीं सकती। यहां पर कार्ड है 3 ऑफ कप्स, 3 ऑफ कप्स की ऊर्जा। और 3 ऑफ कप्स का कार्ड मुझे यहां पर पता है क्या शो कर रहा है, 3 ऑफ कप्स का कार्ड मुझे यहां पर शो कर रहा है कि आप दोनों के बीच में कोई तो थर्ड पर्सन है, ठीक है। मुझे ये कार्ड पॉजिटिविटी के साथ साथ स्लाइटली नेगेटिविटी फील करा रहा है कि जैसे कि आप दोनों के बीच में, आपके और आपके पार्टनर के बीच में किसी तरीके की कोई रुकावट, किसी तरीके की कोई परेशानी या किसी तरीके का कुछ कोई पर्सन है, ठीक है। मुझे बहुत स्ट्रांग फीलिंग आ रही है कि उसके बहुत छोटे बाल हैं, मतलब हेल्दी बाल नहीं है, ठीक है, उनके ना हेल्दी बाल नहीं है, जिस जो है ना यहाँ पर जो थर्ड पार्टी आप दोनों के बीच में, उनके हेल्दी बाल नहीं है, स्किन काफी पेल है, छोटी छोटी मिची मिची से आंखें हैं और जबड़ा छोटा है उस थर्ड पार्टी का। और हो सकता है कि या तो वो बहुत ही स्किनी है, या तो वो जो पर्टिकुलर पर्सन है वो बहुत ही स्किनी है, या ऐसा हो सकता है कि वो जो पर्टिकुलर पर्सन है वो काफी ज्यादा हेल्दी है, ठीक है, काफी ज्यादा हेल्दी है। अब हेल्दी का मतलब आप लोग समझ सकते हैं, मैं वो वर्ड नहीं बोलूंगी वरना लोग बोलेंगे कि आप तो बॉडी शेमिंग कर रहे हो, ठीक है। तो ये इंसान है ना किसी की सुनता है, मतलब ये पर्टिकुलर पर्सन जो है वो किसी की या तो सुनते हैं और सुनकर के ना अपना दिमाग खराब करते हैं कहीं ना कहीं। आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी है भैया, बहुत स्ट्रांग यहाँ पर एनर्जी आ रही है मुझे। आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी इशू है, कोई तो है जो इस इंसान को आपके खिलाफ भड़काने की कोशिश करता है। इनके दिमाग में आप चलते रहते हो 24/7, इनफैक्ट इतना ज्यादा चलते हो आप इनके दिमाग में कि इनके सर में हो जाता है दर्द। नेक्स्ट कार्ड है यहां पर द क्वीन ऑफ सोर्ड्स, ठीक है, क्वीन ऑफ सोर्ड्स की ऊर्जा है, क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। मुझे यहां पर ऐसी भी फीलिंग आ रही है कि इस इंसान को ऐसा लगता है कि अगर इन्होंने आपके साथ अपनी दुनिया बसाई, लाइक दिस पर्सन वॉन्ट, ये इंसान चाहता है आपके साथ दुनिया बसाना, समझ रहे हो आप, लेकिन इनको ऐसा लगता है कि अगर इन्होंने आपके साथ दुनिया बसाई
तो ये जो थर्ड पार्टी है ना भैया, इसको छोड़ना पड़ेगा हमेशा के लिए, ठीक है। और इस थर्ड पार्टी को छोड़ने का चक्कर, पता है इनको ऐसा लग रहा है कि एक बहुत गंदा वाला लॉस हो जाएगा इनकी लाइफ में। अब ये थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है, ये मदर हो सकती है, ये कोई फादर हो सकता है, कोई कोई फ्रेंड हो सकता है, कोई भी कोई सपोर्ट सिस्टम हो सकता है, लाइक देयर इज समवन। अगर इन्होंने इस थर्ड पार्टी को छोड़ा तो भैया ये सपोर्ट सिस्टम जो है ना गायब, और इनके दिमाग में अभी इतना ज्यादा फिजूल का चल रहा है कि मैं आपको बता नहीं सकती। मुझे नहीं पता आप लोगों की बातें हो रही है नहीं हो रही है, आगे कार्ड्स निकलेंगे तो और पता लग जाएगा। अगर मुझे मुझसे ये कहलवानी होगी चीज स्पिरिट्स को तो वो कहलवा देंगी, बट मैं यहाँ पर फील कर रही हूँ दैट दिस पर्सन इज वेरी वेरी अनडिसाइडेड। ओके, अनडिसाइडेड है। उसको ये पता है कि उसकी फैमिली आपके साथ होनी चाहिए, उसको ये पता है कि आपका घर आपके साथ बसना चाहिए, उसको ये पता है कि फ्यूचरिस्टिक उसको आपके साथ होना चाहिए, क्योंकि उसकी खुशी आपके साथ है। द पीपल हु इज वॉचिंग दिस रीडिंग, जिनके जिनका जो जिन्होंने पाइल नंबर वन को पिक किया है, ओके, लेकिन कहीं ना कहीं इस इंसान के दिमाग में ये थॉट ऑफ प्रोसेस भी बहुत स्ट्रांगली चल रहा है कि अगर इस इंसान ने आपको पिक किया तो इसको किसी पर्टिकुलर जो थर्ड पार्टी ना उसको छोड़ना पड़ेगा, या किसी सिचुएशन का थोड़ा सा सामना करना पड़ेगा, एंड इट विल बी अ वेरी अनॉयड सिचुएशन। लाइक आप इस चीज को सोच सकते हो कि एक बंदा कहीं ना कहीं फंसा हुआ हो इस सिचुएशन में और उस सिचुएशन में, तो ये बंदा ऐसे फंसा हुआ है, इसको ऐसा लग रहा है जैसे कि इसकी लाइफ ना समहाउ हेल हो जाएगी, ठीक है। इसको ऐसा महसूस हो रहा है अंदर से बहुत ज्यादा, वेरी क्लाउडी अनडिसाइडेड सिचुएशन है यहां पर। नेक्स्ट है नाइट ऑफ कप्स, स्टिल दिस पर्सन वॉन्ट्स यू। लाइक इसके दिमाग में फितूर चल रहा है, इसके दिमाग में बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस चल रही हैं, फिर भी ये बंदा आपको चाहता है। मतलब आई एम सीइंग, आई एम फीलिंग वेरी स्ट्रांगली कि इस इंसान के साथ आपका सोलमेट कनेक्शन है। ट्विन फ्लेम मैं नहीं बोलूंगी, क्योंकि लोगों ने ट्विन फ्लेम को इतनी हाइप दे रखी है ना कि मैं भाई क्या बताऊं। तो मैं इस कनेक्शन को ट्विन फ्लेम नहीं बोलूंगी, क्योंकि ट्विन का कोई कार्ड भी नहीं है। मैं बोलती अगर होता तो, बट यहाँ पर ट्विन फ्लेम का कोई कार्ड नहीं है। ऑल्दो आई एम फीलिंग हियर एन एनर्जी ऑफ कार्मिक सोलमेट प्लस सोलमेट, यानी कि आपके जो ये पार्टनर है आपके सोलमेट हो सकते हैं, या फिर इनके साथ आपका पास्ट लाइफ का कार्मिक रिलेशन हो सकता है जो कि सोलमेट लेवल ही है। मतलब ये बंदा आपका पास्ट लाइफ से ही सोलमेट है, बट समहाउ अभी हाल फिलहाल दिस पर्टिकुलर पर्सन इज इन अ यू नो पास्ट लाइफ का कर्मा और सोलमेट, और वो सब कुछ मिस एंड मैच हो रहा है, काफी ज्यादा मिस्ड एनर्जी है। सो या तो ये पर्टिकुलर पर्सन आपके सोलमेट है, या फिर ये ट्विन फ्लेम है, ओ सॉरी कार्मिक सोलमेट है, ठीक है। ट्विन फ्लेम की ऊर्जा नहीं है। दिस पर्सन वॉन्ट्स टू कम टू गिव अ कमिटमेंट, ये आपके साथ आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, लेकिन इनकी ना हिम्मत नहीं हो पा रही है। आप देख सकते हो इसमें ये जो घोड़े का एक पैर है ना वो ऐसे उठा हुआ है और एक ऐसे आगे बढ़ने को है। अगेन अनडिसाइडेडनेस, ठीक है, क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि अगर ये आगे जाएंगे ना तो इनको बहुत कूद फांद करनी पड़ेगी, और अगर ये आगे जाते हैं तो इन्हें बहुत सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। अब ये इस दुविधा में फंसे हुए हैं, इनके पैरों में लगे हुए पंख, आना चाहते हैं आपके पास 100%, आपको कमिटमेंट देना चाहते, चाहे आप लोगों की बातें हो रही है नहीं हो रही, आई डोंट नो एक्चुअली, लेकिन ये आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं। इनके पैरों में लगे हुए पंख, आगे बढ़ना चाहते हैं आपके साथ, ठीक है, आपको कप देना चाहते हैं, आपको प्यार देना चाहते हैं, आपको कमिटमेंट देना चाहता है ये आदमी, ठीक है, ये आदमी औरत जो भी है, ओके। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट बैगेज वाली थिंकिंग इज दू नी दू, बोलू नहीं बोलू, ठीक है। सो ये तो चल रही है भैया इनकी करंट एनर्जी, और कुछ मैं एक लास्ट कार्ड और निकाल लेती हूँ करंट एनर्जी के लिए, कुछ और चल रहा हो दिमाग में तो, कुछ और चल रहा है दिमाग में। लवर्स, यार ये बंदा बहुत प्यार करता है, यार ये बहुत प्यार करता है, और अब मुझे कहना पड़ेगा ये हो सकता है कुछ लोगों के लिए ट्विन फ्लेम हो। प्यार का कार्ड एंड समहाउ थ्री ऑफ कप्स को भी हम कह सकते हैं प्यार का कार्ड, बट वेरी वेरी स्ट्रांगली दीज थ्री कार्ड्स आर क्लेमिंग दिस एनर्जी दैट ये बंदा भाई साहब प्यार में दीवाना हो चुका है, ये आपको छोड़ना नहीं चाहता है, ठीक है, लिटरली मैं बोल रही हूँ ये नहीं छोड़ना चाहता है। इसको पता है इसकी जिंदगी में लग सकती है बहुत गंदी, इसको पता है इसको लोग ब्लेम कर सकते हैं, इसको पता है इस पर्टिकुलर पर्सन को दैट अगर इन्होंने आपके लिए एक्शन लिए तो संभव हो सकता है लोग इनके
खिलाफ हो जाए, विपरीत हो जाए, लोग इनके इनका साथ ना देना पसंद करें, ठीक है, लेकिन somehow this person wants to give you all love, like जो भी प्यार है ना इसके पास वो सब ये देना चाहता है, और ये बंदा इनडिसिसिव हो रहा है, ये बंदा सोच में पड़ा हुआ है, और इनको ऐसा लग रहा है कि अगर मैंने अब एक्शन नहीं लिया तो भैया मैं कब लूंगा एक्शन, ठीक है. नाउ लेट मी टेल यू गाइस इनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा. फॉर द पाइल नंबर वन उनके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन, नेक्स्ट एक्शन, नेक्स्ट एक्शन बता दो. सक्सेस. और ये किस चीज की सक्सेस है, मुझे तो लग रहा है ये जो मैं सोच रही हूं ना वही सक्सेस है जो मेरे अंतर मन से आ रही है आवाज. बाकी देख लेते हैं एक बार और. फ्रेंडलीनेस एंड सक्सेस. एक एक कार्ड और, एक कार्ड और, एक कार्ड. हाँ एग्जिस्टेंस. प्यार है, बहुत है, आपसे ही है. नेक्स्ट एक्शन इनका होगा आपके लिए एक स्ट्रॉन्ग एक्शन लेना, आपके पास आना, इनके मन में जो प्यार है आपको दिखाना, और उस प्यार को दिखाने के साथ साथ आपको ये बोलना कि बस बहुत हो गया, चलो अब अपने घर चलते हैं या शादी कर लेते हैं, ठीक है. और अगर हम ऐसा करते हैं तो देखी जाएगी, देखते हैं क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है. कुछ लोगों के पार्टनर डायरेक्ट आकर के खुल्लम खुल्ला बोलेंगे कि चलो शादी करते हैं, कुछ लोग, क्योंकि एक जनरल रीडिंग है तो आई एम गेटिंग द एनर्जी कि कुछ लोग तो आकर के खुल्लम खुल्ला बोलेंगे चलो भैया शादी करते हैं, कुछ लोगों के पार्टनर ऐसे हो सकते हैं जो ये बोलेंगे कि अब मैं यहां ऐसे फंसा हुआ हूं, अब मुझे बताओ मुझे क्या करना चाहिए, ठीक है. जी तो नहीं सकता मैं तुम्हारे बिना, और मरने का मेरा मन नहीं है. पता नहीं क्यों मुझे ये डायलॉग सा फील हुआ तो मैंने बताया. और कुछ जो स्पिरिट्स आपको कहना चाहते हो, स्पिरिट आपको कहना चाहती है मेक अ हेल्दी बाउंड्री विद दिस पर्सन. इस इंसान से ना आपको एक हेल्दी बाउंड्री बनानी है. अब देखो क्या होता है ना कि जब हम प्यार में पागल हैं और सामने वाला बंदा अगर हमें प्यार नछावर कर दे ना तो हम कैसे हो जाते हैं, कैसे हो जाते हैं, हम ऐसे हो जाते हैं और ये यार उसकी तरफ से ऐसे ऐसे हुआ, चलो वो हमें 10 देता है ना हम उसको 100 कर देते हैं, ठीक है. तो ऐसा नहीं करना है आपने, आपने इस थॉट ऑफ प्रोसेस में रहना है पाइल नंबर वन पीपल दैट इफ दिस पर्सन वांट्स टू कम लेट देम कम इन योर लाइफ, इफ दे वांट टू गिव यू कमिटमेंट लेट देम अलाउ टू गिव यू कमिटमेंट, ओके, बट डोंट अलाउ देम टू ब्रेक योर हार्ट अगेन. कुछ लोगों के लिए अगेन की एनर्जी हो सकती है, कुछ लोगों के लिए पहली बार की हो सकती है. उनको अलाउ नहीं करना है कि आप वो दोबारा से आपका दिल तोड़े या वो आपका दिल तोड़े, समझ रहे हो. ऐसा इसलिए यहां पर बोला जा रहा है बाउंड्रीज का कार्ड है कि ये इंसान पानी के बुलबुले की तरह हो सकता है जो अभी तो उफान मार रहा है प्यार की हवा से. ऐसा ना हो जाए कि ये बंदा यू नो दोबारा से टप, ठीक है. सो इस चीज का आपने ख्याल रखना है, ये डिवाइन की तरफ से एडवाइस है. तो बहुत जल्दी लेट मी चेक टाइमिंग, नहीं टाइमिंग मैं नहीं बताऊंगी क्योंकि ये करंट फीलिंग्स है, टाइमलेस रीडिंग नहीं है, टाइमलेस नहीं है आज की रीडिंग. मैं टाइमलेस टैग नहीं डालने वाली हूँ टाइटल में क्योंकि ये टाइमलेस रीडिंग नहीं है, ये जिसके लिए है उस तक पहुंचेगी और ये बस एग्जैक्ट करंट फीलिंग्स है आपके पार्टनर की, ठीक है. जब भी आप इस रीडिंग को देख रहे हो ये आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स है, बस इस चीज को आपने याद रखना है. तो प्यार है, आपसे है, बहुत है, आपसे ही रहेगा. They don't want to live their life with anybody else, like not even a single बंदा, किसी और के साथ वो अपनी जिंदगी नहीं देखना चाहते, लेकिन वो चीजों को समझ नहीं पा रहे हैं that how to you know react और किस तरीके से क्या चीजों को आगे बढ़ाया जाए, okay? So this is all about today's reading for the pile number one people. I hope you guys will like this video, subscribe to this channel and definitely आप लोग इस वीडियो को प्यार देंगे. आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं विद दोज पीपल हु वांट्स टू गेट टू नो दैट उनके पार्टनर उनके लिए क्या फील कर रहे हैं. तो जल्दी मिलेंगे एक और नई रीडिंग में, तब तक के लिए अपना वोट और अपने टॉपिक के बारे में मुझे बताना ना भूलें इन द कमेंट सेक्शन. अपना अपना ख्याल रखें, खुद से प्यार करें, जल्दी मिलते हैं. Hi to all my beautiful pile number two people, the people who pick pile number two. क्यों? क्योंकि उनके पार्टनर के नाम का पहला अक्षर
हो सकता है EMUZFNVGOWHPX, है ना। तो अगर आपके पार्टनर के नाम का पहला अक्षर इनमें से कोई एक है, सो दिस रीडिंग बिलोंग्स टू यू, ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है, ठीक है। तो शुरू करते हैं। जब तक मैं आपके पार्टनर के लिए कार्ड शफल कर रही हूं, तब तक के लिए आपने क्या करना है, अपने पार्टनर का 3 बार नाम लेना है। अपने पार्टनर का नाम लेना है, उसके साथ साथ आपने क्या करना है, आंख बंद करके प्रार्थना करनी है उस ईश्वरीय ऊर्जा को, उस ईश्वरीय शक्ति को जो हमेशा आपके साथ होती है, हमेशा आपके पास होती है, आपको ये जताने बताने के लिए दैट दे आर ऑलवेज देयर फॉर यू, ओके। उनसे प्रार्थना करें कि आज मुझे अपने पार्टनर की एग्जैक्ट करंट फीलिंग्स पता लगी जाए, ओके। ओके, लेट मी डू अ क्विक प्रेयर फॉर माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 2 पीपल एंड आई एम एक्सपेक्टिंग द सेम विद यू ऑल। हे ईश्वर, गाइड कीजिएगा पाइल नंबर 2 पीपल को, जिन लोगों के पार्टनर के नाम के पहले अक्षर EMUZFNVGOWHPX है। ओके, सो आई होप आपने अपने पार्टनर का नाम 3 बार ले लिया होगा, आपने अपने लिए प्रार्थना कर ली होगी। तो आइए चलिए चेक करते हैं दैट व्हाट योर पार्टनर इज एग्जैक्टली फीलिंग फॉर यू, आपके पार्टनर आपके लिए क्या महसूस कर रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं, एंड भाई उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, और परमात्मा जो है ना वो आपको एग्जैक्टली क्या कहना चाहते हैं अबाउट दिस रिलेशनशिप, ओके। लेट्स सी फॉर द पाइल नंबर 2 7 ऑफ पेंटिकल्स। सबसे पहली बात भाई, मुझे यहाँ पर एक स्ट्रांग फीलिंग नजर आती है दैट योर पर्सन इज इन फाइनेंशियल क्राइसिस, आपके जो पार्टनर हैं वो किसी तरीके के फाइनेंशियल क्राइसिस में हैं, या आपके पार्टनर जो हैं वो किसी चीज को लेकर के मेहनत कर रहे हैं। इट माइट बी दिस रिलेशनशिप, इट माइट बी अन फाइनेंशियल सिचुएशन जो कि काफी वर्स चल रही हो, तो आपके जो पार्टनर है ना वो काफी ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, काफी ज्यादा लगे हुए हैं, काफी ज्यादा मेहनत करें, काफी ज्यादा लगे हुए हैं इस चीज के अंदर कि जैसे तैसे कर कर आकर के ना वो इस दुविधा से निकल जाए। मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है दैट योर पर्सन इज इन अ बिग मेस, मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है बहुत स्ट्रांग कि आपके जो पार्टनर है वो किसी तरीके के मेस में है, किसी तरीके की परेशानी में फंसे हुए हैं, कुछ कल्टिवेट करना चाहते हैं, कुछ निकालना चाहते हैं, कुछ गुडनेस से रिलेटेड क्रिएट करना चाहते हैं इन दिस रिलेशनशिप, बट दे आर नॉट एक्चुअली गेटिंग द एनर्जी, या वो एक्चुअली कोई एज सच वे नहीं ढूंढ पा रहे हैं इस रिश्ते को लेकर के, काफी ज्यादा इनडिसिसिव है, और इनडिसिसिव से भी ज्यादा मुझे यहां पर ऐसी फीलिंग आ रही है दैट दिस पर्सन इज फीलिंग बेसहारा टाइप्स, समझ रहे हो, लाइक इस इंसान को ऐसा महसूस हो रहा है कि जैसे ये बेचारा बंदा ना बेसहारा टाइप है, और इसकी लाइफ जो है वो काफी ज्यादा क्रिटिकल कंडीशन में है। इनको मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है, मुझे नहीं पता क्यों, बट मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि पहले जैसा रिश्ता या पहले जैसी जो केमिस्ट्री है ना इस कनेक्शन के अंदर, वैसी केमिस्ट्री, वैसा कनेक्शन मैं नहीं देख रही हूं यहां पर विद दिस कार्ड, और इस कार्ड की वजह से ना, इस कार्ड के 7 ऑफ पेंटिकल्स की वजह से आई एम गेटिंग दैट दिस पर्सन इज प्लानिंग टू डू समथिंग इन दिस रिलेशनशिप बट एक्चुअली नॉट विलिंग टू डू, समझ ही नहीं आ रहा है इस इंसान को, क्या तो करे, कैसे तो करे, कब तो करे। नेक्स्ट कार्ड है यहां पर एम्परर, भैया ये तो मुंह सड़ा के मुंह बना के बैठा हुआ है, ठीक है, चाहे ये लड़की है चाहे ये लड़के, ये तो मुंह बना के बैठे हुए हैं, इनका नहीं चल रहा है बस, ठीक है, और इनको ऐसा लगता है दैट इनकी लाइफ में रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत ज्यादा, मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि आप दोनों के बीच में बहुत स्ट्रांग कोई बहुत अच्छी या कोई बहुत बेहतरीन बातें बातें हो नहीं रही है कहीं ना कहीं, ठीक है। दिस पर्सन इज फीलिंग कि इनकी जिंदगी में है भर भर के रिस्पॉन्सिबिलिटीज, और ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज को निभाई आपसे प्यार करें, या ये आपको पिक करें, या अपनी जिम्मेदारी अपनी चीजें अपने घर वाले अपने लोगों को पिक करें। एंड दिस पर्सन इज फीलिंग वेरी रिजिड अबाउट यू, वेरी
रिजिड और काफी ज्यादा ना ये बंदा ऐसा महसूस कर रहा है जैसे कि मेरे को ईगोइस्टिक लग रहा है यार कुल मिला के, ठीक है, ईगोइस्टिक एनर्जी है, मतलब ये आपके बारे में सोचने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे या सोच नहीं पा रहे हैं। आप दोनों मुझे बात करते हुए एक दूसरे से नजर नहीं आ रहे, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है। दिस पर्सन फील यू एज एन हाई प्रिस्टेस, इनको ऐसा लगता है कि आप एक बहुत ही समझदार, जेन्युइन, नॉलेजेबल, डीप थिंकर, सीक्रेट कीपर, विजडम पर्सन हो। आपके अंदर सारे पॉजिटिव गुण हैं, बट इनको ऐसा लगता है कि ये सारे के सारे गुण जो है इनके काम नहीं आने वाले कभी भी, और इनको ऐसी भी फीलिंग आ रही बहुत स्ट्रांग कि अगर इन्होंने आपके लिए कुछ सोचा या अगर इन्होंने आपके लिए कोई एक्शन लेने की कोशिश करी या कुछ भी, अगर आप इस पर्टिकुलर पर्सन के साथ किसी रिश्ते में आए तो somehow ऐसा हो सकता है कि ये अपनी वर्थ को खो दें। पाइल नंबर टू पीपल, इस चीज को समझने की कोशिश कीजिएगा, कहीं ना कहीं ये बंदा आपके रुतबे, आपके गुण, आपकी चीजों से जेलस है, ठीक है, बताओ, ऐसा भी सोच रखते हैं लोग प्यार में। और इनको ऐसा लगता है कि जो ये डिजर्व करते हैं किसी रिश्ते के अंदर वो चीज somehow इनके पास में नहीं है, एंड ये काफी रिजिड और नेगेटिव फील कर रहे हैं। Although they feel that you are a very intelligent, समझदार, genuine person, but इनको ऐसी भी feeling आ रही है कि यार ये सब चीजें ना इनके ऊपर कहीं ना कहीं आगे चल करके भारी हो सकते हैं। Next इनके दिमाग में Queen of Cups। अब यहां पर ये जो Queen of Cups का कारण है ना, ये मेरे को अच्छी एनर्जी नहीं दे रहा है कुल मिलाकर के। ये मेरे को पता है कैसी एनर्जी दे रहा है, ये मेरे को ऐसी एनर्जी दे रहा है जैसे कि इनकी लाइफ में कोई तो मदर फिगर है जो इनको भड़काती है आपके खिलाफ, और बहुत गंदा भड़काती है, बहुत गंदा, मतलब आप लोग सोच भी नहीं सकते। कोई मदर फिगर है जो इनको भड़काने की कोशिश करती है, इमोशनली ये ड्रेन फील करते हैं, इनको ऐसा महसूस होता है जैसे कि इनकी लाइफ वर्स्ट से वर्स्ट हो रही है, इनकी जिंदगी में कोई सुख नहीं है, इनकी जिंदगी में कोई खुशी नहीं है, ये कहीं ना कहीं अपनी जिंदगी को काट रहे हैं और इनकी लाइफ ऐसे ही चलती रहेगी, इनको ऐसा महसूस होता है। मुझे तो ये समझ में नहीं आता, जब तुमको ये सब चीजें फील होती तो तुम प्यार व्यार में क्यों पड़ते हो किसी के साथ, व्हाई यू गेदर सामने वाले को इस तरीके से। और मुझे ऐसी भी फीलिंग आ रही है इस रिश्ते में बाय दिस हाई प्रिस्टेस का कार्ड और इस एम्परर का कार्ड, दैट ये बंदा ना काफी ज्यादा इस उलझन में है कि ये जो कुछ भी इस रिश्ते में चल रहा है ना, खटास जो चल रही है, जो बुराई चल रही है, जो परेशानी चल रही है, वो चल रही है बिकॉज ऑफ यू ओनली, लाइक आप जो इस रीडिंग को देख रहे हैं। थ्री ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, इस इंसान को ऐसा महसूस होता है कि आप अपनी फैमिली को, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को और इन सब चीजों को तो इक्वली टाइम देते हो, इनको टाइम नहीं देते हो, जबकि उलट है यहाँ पे, ये पर्टिकुलर पर्सन कहीं ना कहीं अपनी फैमिली में लगा रहता है, घुसा रहता है, और somehow मुझे ऐसी भी यहाँ पर स्ट्रांग फीलिंग आ रही है विद दिस थ्री ऑफ पेंटिकल्स कि ये इंसान तो इन सब चीजों को करता रहता है, घुसा रहता है, लगा रहता है, लेकिन ये कहीं ना कहीं ये नहीं चाहता कि आप ये सब कुछ करो। ऐसे लोगों के ना तो मन करता है मेरा क्या बोलूं मैं आप लोगों को, मेरी एनर्जीज इतनी वो रखी है ना। चार कार्ड निकाल लिए मैंने एक साथ टू गाइड यू ऑल। पहला कार्ड यहां पे आप लोग देख सकते हो टावर का है। This person is holding his or her emotions very hard. ये अपने emotions को बहुत ज्यादा hardly रोक पा रहे हैं। इनका एक मन आपसे बहुत प्यार करता है with the Ace of Cups and they actually want you to be back in their life. ये actually में चाहते हैं कि आप इनकी जिंदगी में वापस से आ जाओ, okay? और टावर का कार्ड है, इनको ऐसा लगता है कि अगर इन्होंने आपको अपनी जिंदगी में फिर से बुलाया या अगर आपके साथ गए तो भैया इनको बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। मून का कार्ड है यहाँ पर, थर्ड पार्टी इसकी मदर है, ठीक है, जो भी है, जो भी आपके पार्टनर है उनकी मदर जो है वो इनको नेगेटिवली मैनिपुलेट करती है, या फिर कोई मदर एनर्जी है, मदरली कोई वाइब्रेशन है जो कि थर्ड पार्टी का रोल कर रही है यहाँ पर। दिस पर्सन वॉन्ट्स टू गिव एन कमिटमेंट, आपको कमिटमेंट देना चाहता है ये इंसान, लेकिन अगेन एम्प्रेस का कार्ड है, हमेशा अपनी माँ करके रुक जाता है या ये जो मदरली फिगर है ना उसको करके
लाइक दे ऑलवेज बी इन अ शेल, हमेशा ये शेल में रहते हैं उसको थर्ड पार्टी को लेके. एनीथिंग एल्स दिस पर्सन थिंक फॉर यू, इतना सब कुछ बुरा बुरा सोच रहा है, कुछ तो अच्छा हो. अच्छा कुछ नहीं है यहाँ पर, साफ सी बात है, वर्ल्ड का कार्ड है. ये बंदा somehow इसी उसमें लगा हुआ है कि मैं इस रिश्ते में जाऊं आगे बढ़ूं नहीं बढ़ूं, जाऊं आगे बढ़ूं नहीं बढ़ूं, इन्हीं सब सिस्टम में लगा हुआ है. एग्जैक्टली आपके लिए एक्शन वाले मोड पर नहीं है. नाउ लेट मी चेक इस बंदे का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा. मेरा तो मूड ऑफ हो गया पाइल नंबर टू पीपल, आप लोगों की पार्टनर की एनर्जीज को फील करके. बिकॉज मैं जब भी रीडिंग करती हूँ मैं बहुत दिल से करती हूँ और उसका इफेक्ट मेरे ऊपर आता है. एंड राइट नाउ आई एम फीलिंग वेरी लेम, सच्ची बता रही हूँ. आप खुद सोच के देखो, एक तरफ ये बंदा आपके साथ इस रिश्ते में होना भी चाहता है, ठीक है. एक तरफ इस बंदे को ऐसा लगता है कि आपके साथ ही अगर इस रिश्ते में हो तो बहुत बढ़िया बात है. एक तरफ इसको ऐसा लगता है कि जो कुछ भी हो रहा है ना इस कनेक्शन में, नेगेटिव भला बुरा ही सब आपकी वजह से है. एक तरफ ये बंदा अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को देखना चाहता है, तो एक तरफ ये बंदा आपको ब्लेम कर रहा है कि आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को देखते हो ज्यादा, आप इसको इम्पोर्टेंस नहीं देते हो. तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है पाइल नंबर टू पीपल कि आप लोग करोगे तो करोगे क्या, जब सामने वाला बंदा ही एक्शन मोड पर नहीं है. और बॉटम ऑफ द डेक देखो आप लोग क्या आया है, सिक्स ऑफ कप्स का कार्ड. यानी कि इस बंदे को ऐसा लगता है दैट आप इनकी जिंदगी में ना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट हो, बट फिर भी ये बंदा समझ नहीं पा रहा है. मतलब मूर्खता की तो हदें पार हो गई है भाई, ऐसे मूर्ख लोग ना क्या बोलूं मैं. नेक्स्ट एक्शन इस बंदे का कुछ नहीं है. देखो मैं आप लोगों को झूठी उम्मीद नहीं दूंगी, कंट्रोल का कार्ड है ये, अपने इमोशंस को कंट्रोल करके बैठेगा अभी तो, ठीक है. रोया जी की कर सकता है, स्टेटस वगैरह लगा सकता है, ठीक है. लेकिन ये अभी कोई एक्शन मोड पर नहीं है. गो विद द फ्लो का कार्ड है, ये तो बस बह रहे चल रहे वाली एनर्जी है. कुछ खासा यहाँ पर इनका फॉर्म मुझे नजर नहीं आता है पाइल नंबर टू पीपल. और मेरा मन नहीं कर रहा है इनके लिए कार्ड निकालने का, मेरा मन कर रहा है कि इनकी बस बता दूं जाकर के अभी. एंड यहाँ पर से कार्ड है आप लोगों के लिए फॉरगिविंगनेस. परमात्मा आपको इस रिश्ते के लिए गाइड करना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं कि ऐसे पागल लोगों को माफ करो अपनी जिंदगी से और ऐसे लोगों का वेट मत करो. डोंट वेट फॉर सच काइंड ऑफ पीपल इन योर लाइफ. जस्ट अपनी जिंदगी को एक सही पॉजिटिव लेवल पे देखना शुरू करो एंड जस्ट फील कि ऐसे लोग आपकी जिंदगी में आते हैं आपको सिखाने के लिए, ठीक है. वो लेसन लर्न करो और आगे बढ़ो, वो वाली एनर्जी है यहाँ पर. तो परमात्मा आपको कहना चाहते हैं दैट फॉरगिव दिस पर्सन फ्रॉम योर लाइफ, हैव सम पॉजिटिव फेथ इन योर सेल्फ एंड जितना हो सके उतना आगे बढ़ने की कोशिश करो, ठीक है. इस इंसान का वेट नहीं करना है, याद रखना इस इंसान का वेट नहीं करना है, ओके. सो दिस इज व्हाट परमात्मा वांट्स टू टेल यू. तो अभी तो भैया ये बैठा रहेगा कंट्रोल में, अभी ये पावर में नहीं है बंदा. मैं आपको फिर बोलूंगी वेट नहीं करना है, अपने करियर पे, अपनी लाइफ पे, अपने लुक्स पे, अपनी चीजों पे ध्यान दो, आगे बढ़ो, पॉजिटिव रहो, खुश रहो, हैप्पी रहो अपनी लाइफ में. यू विल श्योरली गेट दिस पर्सन बैक इन योर लाइफ इफ यू वॉन्ट, अगर आप चाहते हो तो, ठीक है. सो ये थी आज की रीडिंग, आप लोगों को कैसी लगी मुझे जरूर बताना कमेंट सेक्शन में कमेंट करके. इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना. जल्दी मिलते हैं एक और नई रीडिंग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, खुद से प्यार करें. लव यू ऑल.